नमस्ते, मैं नेहा चाफेकर, साधक द योगा इंस्टीट्यूट मुंबई से, जो विश्व का सबसे प्राचीन योग संस्था है। आज हम देखेंगे हम वजन बढ़ाने के लिए कौन से आसन रोज कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पवन मुक्तासन से। पवन मुक्तासन के लिए हम एक बाजू मुड़कर पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर को सीधा रखेंगे और फिर दाएं पैर सांस छोड़ते हुए छाती की तरफ खींचेंगे और सांस भरते हुए पैर सीधा कर देंगे। अभी बायां पैर सांस छोड़ते हुए छाती की तरफ खींचेंगे और सांस भरते हुए पैर को सीधा कर देंगे। अब दोनों पैर सांस छोड़ते हुए छाती की तरफ और सांस भरते हुए दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। अब हम दूसरे आसन की तरफ बढ़ेंगे, जो है धनुरासन। उसके लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे और फिर दोनों पैरों को मोड़ देंगे। अभी दोनों पैर दोनों हाथों से पकड़ लेंगे और सांस भरते हुए छाती और पैरों को ऊपर उठाएंगे। हम यहाँ 5 से 10 सांसों तक रुक सकते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे और पैरों को छोड़ देंगे, सीधा कर देंगे। ये थे कुछ आसन जो वजन बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। अब इनके बारे में और जानेंगे हमारी गुरुमा डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। बहुत बार समस्या होती है कि वजन बढ़े और इसीलिए जरूरी है प्रोटीन लेना। प्रोटीन मसल्स को डेवलप करता है, मसल्स का रिपेयर वर्क करता है और इसीलिए ऐसी सब चीज़ें जैसे टोफू है, सोयाबीन है, हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उगाई हुई चीज़ें हैं, स्प्राउट्स, ये सब खाने बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर जाना चाहिए और इसीलिए ज़रूरी है कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रेगुलर खाएँ, सब तरह की भाजी रेगुलरली लें। तीसरा कि हम ध्यान दें कि बीच बीच में खाना खाना और ना खाना ऐसी गलती ना करें, नियमित रूप से खाना खाएं तो ही सही रहेगा। चौथा, अच्छी नींद लेना सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, अच्छी नींद। और अच्छी नींद लेने के लिए ज़रूरी है कि आप समय पर सोएं, समय पर उठें, रात को ज़रा जल्दी सोएं और दिन में भी कभी कभी थोड़ा सा आँख बंद करके रिलैक्स करें। बस ध्यान दें। नमस्कार।